सब्सक्राइब कीजिए राहुल आर्ट एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट्स के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन से ग्रिड मीटर का यूज़ करके आउटलाइन कैसे बना सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप कोई भी आउटलाइन बना सकते हो आसानी से। सो हे, दिस इज राहुल एंड यू आर वॉचिंग राहुल आर्ट एकेडमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी फोटो का आउटलाइन बनाने से पहले आपको उसका ग्रिड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ड्राइंग ग्रिड मेकर। तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं ये यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें पेपर के ऊपर मार्जिन बना लेना है चारों तरफ से। और आप सभी को डाउट आ रहा होगा कि मार्जिन के बिना भी तो हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं। तो हाँ जी, बना सकते हैं, पर क्या होता है, साइड से अगर पेपर का एज मुड़ता है तो हमारा ड्राइंग भी ख़राब हो जाता है। इसलिए मार्जिन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ मैंने मेजरमेंट ले लिया है 19 सेंटीमीटर का। तो रोज़ मतलब हॉरिजेंटल होता है और जो कॉलम होता है उसका मतलब वर्टिकल होता है। तो 19 सेंटीमीटर का हॉरिजेंटल लाइन है, तो उसे हमें इतने हिस्से में डिवाइड करना है जितना हमें बॉक्सेस चाहिए। तो यहाँ मैंने 8 ले लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। यहाँ मुझे 2.37 का मेजरमेंट मिल चुका है, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 2.4 सेंटीमीटर कर लिया है। 8 हिस्से में डिवाइड करना है मतलब 8 बॉक्स। 8 बॉक्स मतलब कि हमें 8 टाइम्स प्लस करना पड़ेगा। तो 2.4 को मैं 8 टाइम्स प्लस करूँगा और जैसे जैसे हमें आंसर मिलेगा वैसे वैसे हमें मुझे मार्क करना है। जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो, ठीक आपको इसी तरह करना है। मैं अभी 9.6 से प्लस कर रहा हूँ 2.4 को, तो मुझे 12 मिल गया। मैंने 12 को मार्क कर लिया, तो वैसे ही मैं आगे का मार्क करते रहूँगा। ये मार्किंग हम लोग डाउन साइड कर रहे हैं, तो हमें अपवर्ड भी करना है। तो यहाँ आप सब नोट कर लीजिएगा, फिर आप अपवर्ड में भी कर लीजिएगा। तो यहाँ मुझे 9.2 को राउंड ऑफ करके 19 लेना पड़ा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक, आपको ऊपर को भी ऐसे कर लेना है और सब लाइन को जोड़ देना है जितना भी आपने मार्किंग किया था। हमें पोर्ट्रेट बनाना है, इसलिए मैंने पेपर वर्टिकल पकड़ा है। तो अभी मैंने हॉरिजॉन्टल पकड़ लिया है। अभी मुझे 27.5 सेंटीमीटर का लेंथ मिल चुका है। 27.5 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा था वो ज़्यादा था, इसलिए मैंने 11 से डिवाइड किया। तो हमें प्रॉपर 2.5 सेंटीमीटर मिल चुका है, तो उससे मैं प्लॉट कर रहा हूँ। अभी मैं दोनों तरफ जो मैंने बनाया था उसको जॉइन कर दे रहा हूँ। जॉइन करने के बाद हमें प्रॉपर बॉक्सेस मिल गए, 8 रोज मिल गया है और 11 कॉलम मिल चुके हैं। अब फोटो के ऊपर ग्रिड अप्लाई करना है, तो इसलिए मैंने ऐप ओपन कर लिया है। तो अभी हमें कोई भी रैंडम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये तो मेरे फ्रेंड का फ़ोटो है जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी रोज़ हम लोग को सेलेक्ट करना है, कितना रोज़ है। तो हमारे पास 8 रोज़ है, तो मैंने 8 सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ 11 कॉलम है। तो अभी हमें प्रॉपर बॉक्सेस मिल चुके हैं जैसे हमें पेपर पे चाहिए था। हम इसे ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, पर अगर स्क्वायर कर रहे हो तो आप वापस से उसको सही कर दीजिएगा, क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन और बॉक्सेस है वो अलग हो जाता है। क्रॉस भी आप अप्लाई कर सकते हो और इसमें आप नंबर भी देख सकते हो। इसमें कुछ आपको मार्किंग स्कीम दिख रहा होगा, इसे देख सकते हो आप, G2 F2 कुछ इस तरह से आप मार्किंग स्कीम भी देख सकते हो। और इससे आपका ग्रिड का थिकनेस कम ज़्यादा होता है। तो मैं चारों तरफ मास्किंग टेप लगा दे रहा हूँ कि पेपर स्टेबल रहे। तो अभी हमें बॉक्सेस चेक करके आउटलाइन बनाना है, जिसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। कुछ इस तरह से आपको देख लेना है कि किधर कौन सा पोर्शन कितना आ रहा है, कौन से बॉक्सेस में। ऊपर से सेकेंड रो पे और लेफ्ट हैंड साइड से सेकेंड कॉलम पे आ रहा है, तो आपको वो देख के आउटलाइन बनाना है कुछ इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया। आपको चेक करना है कि कौन सा आउटलाइन कितना आ रहा है और कैसे आ रहा है, आपको वही चेक करके बनाना है। अभी देखिए, मैं जो स्पेक्स है उसको बना रहा हूँ। तो अभी मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि स्पेक्स है जो हमारा है, एक बॉक्स के कौन से पोर्शन में हमारा जो स्पेक्स का आउटलाइन है वो आ रहा है, तो आपको यही चेक करना है। तो आपको और इजीली समझ सके इसलिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। एक अभी ऊपर से फोर्थ रो पे आइज आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से
थर्ड नंबर पे आई जा रहा है हमारा, जैसे आप देख सकते हो थर्ड नंबर मतलब कि थर्ड कॉलम पे आई जा रहा है। तो कुछ इसी तरह आपको चेक करके प्लॉट करना है, जो भी आउटलाइन जिस पोर्शन पे आ रहा है आपको ये बात का ध्यान रखना है। तो आगे प्लॉटिंग से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए राहुल आर्ट एकेडमी चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो अभी कंटिन्यू करते वीडियोस के साथ। तो अभी मैं यही चेक करके बना रहा हूँ, आपको ये देखना है कि कौन से बॉक्स में कितना पोर्शन और कैसे आपको प्लॉट करना है। मैं फिर से बता देता हूँ कौन से बॉक्स में कितना पोर्शन और हाउ मच मतलब कि कितना आना चाहिए वो बॉक्सेस में। तो आपको वो देख के प्लॉटिंग करना है पेपर के ऊपर, तो आपका जो प्लॉटिंग रहेगा वो भी पूरा एक्यूरेट हो जाएगा। तो अभी हमें आइज बनाना है, इसे आप देख सकते हो। तो आइज मेजरमेंट कर रहा हूँ मैं कुछ इस तरह से, आपको देख लेना है। अभी एक बॉक्स है, अभी उसमें आइज कितना आ रहा है तो आपको वही चेक करना है। अभी इतना साइज़ का बॉक्स है, तो आप मोबाइल पे भी उतने साइज़ का बॉक्स कर लीजिए कुछ इस तरह से। तो अभी आपको एक्यूरेसी का पूरा पता चल गया होगा, और अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो आप ग्रिड को और छोटा भी कर सकते हो, देखिए कुछ इस तरह से। और आइज़ का जो साइज़ है लेंथ है वो भी पता चल जा रहा है हमें। जो हमारा आई बॉल है उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कितना साइज पे आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर अगर आपको डाउट है तो आप कुछ इस तरह से आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैं बना रहा हूँ, मैंने पूरा मेजरमेंट ले लिया था। आपको भी यही सब बात का ध्यान रख के बनाना है सब। अभी मैं सेकेंड आइज भी बनाने वाला हूँ, उसके पहले हेयर जो है वो बना रहा हूँ। आप कोई भी इमेज जो भी आपको बनाना है उसको ग्रीड करके आप बना सकते हो, कोई भी इमेज का ड्राइंग का आउटलाइन। तो अब सेकेंड आइज भी मैं बना लिया हूँ। अभी जो नोज़ हमारा बाकी है आधा, उसको भी मैं कर रहा हूँ, जैसे देख सकते हो आप। फर्स्ट टाइम पे तो बहुत डिफ़िकल्टी होगा, पर आप हार मत मानिएगा, आप ट्राई करते रहिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आता। अभी मैं लीव्स बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, देख सकते हो आप। आपको यही देखना है कि आउटलाइन का जो पोर्शन है वो बॉक्स में कितना आ रहा है। आपको बस सिंपली जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है। और एक बार नोट कर लीजिएगा, जितना छोटा बॉक्सेस रहेगा उतना आपको एक्यूरेट मिलेगा, और जितना ज़्यादा बड़ा बॉक्सेस रहेगा उतना आपको ज़्यादा टफ होगा। तो ये बात का ध्यान रख के आप आउटलाइन बनाइएगा, ग्रिड बनाइएगा। तो ये आप देख सकते हो कि पूरा आउटलाइन जो था मोबाइल पे वो पूरा पेपर के ऊपर बन चुका है। और जो थोड़ा बहुत अगर आपका एक्यूरेट नहीं आ रहा है तो आप शेडिंग करोगे तब वो प्रॉपर हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से लग रहा है। और मेरे पास A4 साइज़ का पेपर था, आपका पेपर बड़ा भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा जो मेथड मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।